अभी मूविंग? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं करनाल जा रही हूँ। कोई खास वजह? हाँ, नई फिल्म शुरू कर रही हूँ फाइनली। इतने सालों बाद मौर्य साहब जी के बाद मुझे एक लीड फिल्म पिक्चर मिली है। कुछ बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? मैं पहली बार नीलिमा आजम के साथ एक्टिंग करने जा रही हूँ। शायद कुछ और बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? कौन डायरेक्ट कर रहा है? और इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट। अच्छा, नीली किस तरह के जोन में होगी फिल्म? रोमांटिक, कॉमेडी, किस किस जोन? ये पूरी पूरी तरह महिलाओं के ऊपर आधारित है और वुमेन इंडिपेंडेंस, वुमेन फ्रीडम, और आज की युग महिलाएं किस तरीके से अलग अपने आप को मतलब दिखा रही है उसी तरह की, लेकिन लाइट कॉमेडी। अच्छा, ऐसे सोशल ड्रामा? सोशल ड्रामा। नीलिमा अजीम के बारे में, उनके जैसे आपने कहा कि कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्या व्हाट यू आइंग एग्जैक्टली? यू नो, नीलिमा अपने आप में सड़क से लेकर अब तक अनगिनत फिल्में। आई थिंक मुझे हमेशा खुशकिस्मती हुई है कि मैं बहुत लेजेंडरी एक्ट्रेस के साथ काम करती रही हूँ, और शी इज़ जस्ट अनदर पर्सन जो मुझे वापस उसी लीग में लेके जाएगी। शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। व्हाट अदर थिंग इज़ हैपनिंग? उसके बाद सूर्यवंशी कम्प्लीट करेंगे। सूर्यवंशी को लेकर कितना एक्साइटेड हैं आप? आई डोंट थिंक इट्स संक इन येट। रोहित शेट्टी के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? ही इज द बेस्ट, द बेस्ट डायरेक्टर इन हॉलीवुड। थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू, बाय, हैप्पी जर्नी।